हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल डे टू डे अपडेट में। दोस्तों, अगर आप भी बिहार में निकली हुई लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो आपके लिए एक बैड न्यूज है। क्या बैड न्यूज है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वैसे वीडियो का थंबनेल देखकर आप सभी को पता लग गया होगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। तो आप देख सकते हैं, यह है हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का ऑफिशियल पेपर कटिंग जो कि आज के डेट का यानी 6 अगस्त 2019 के डेट का है और ये ऑफिशियली जारी कर दिया गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है 583 लेक्चरर और 985 प्रोफेसरों की बहाली रद्द, ऐसा कुछ हेडलाइंस बनाया गया है। और यहाँ पे बात करें हाईलाइट्स की तो बताया गया है हाई कोर्ट ने बहाली के लिए दिया नए सिरे से कार्रवाई करने का आदेश और सरकारी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेजों में बहाली का मामला है ये, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल में बात करें तो बताया गया है राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में संविदा पर व्याख्याता व सहायक प्रोफेसर के 1568 पद पर होने वाली बहाली का विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया गया है। यानी बहाली के साथ साथ जो इसके नियम थे, जो असिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याता के सिलेक्शन प्रोसेस का जो नियम बनाया गया था उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया गया है। और आगे बताया गया है कि सोमवार को कोर्ट ने बहाली के लिए नए सिरे से कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। यानी कुल मिलाकर इसमें बताएं तो जो नया सिरे से यहाँ पे कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है उसको यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका उसके रिगार्डिंग था। यानी इसमें जो कमी पाई गई थी इसके सिलेक्शन प्रोसेस में ही पाई गई थी। आगे बताया जाए तो न्यायमूर्ति ज्योति शरण व न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की पीठ ने राम मनोहर पांडे एवं अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। और आवेदकों के वकील नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि पॉलिटेक्निक में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए रात 7 मार्च को 583 पदों तथा इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों के लिए 8 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। यानी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था असिस्टेंट प्रोफेसर और व्याख्याता का जो पोस्ट था उसके लिए 8 मार्च के और 7 मार्च को यहाँ पे जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रकाशित हुआ था, जिस पर बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था। लेकिन इसमें मेन लोचा ये हो गया कि गेट एग्जामिनेशन स्कोर के बेसिस पे वेटेज दिया गया था जिसे कोर्ट ने गलत पाया और उस पर एक्शन लेते हुए इस वैकेंसी को निरस्त कर दिया। आगे बताया गया है संविदा पर नियुक्ति को सरकार ने जो नियम बनाए हुए कानून के तहत नहीं है, बहाली में गेट पास छात्रों को तरजीह दी गई है जबकि बहाली कानून में सभी के एक समान रखा गया है। गेट का वेटेज देना गलत है क्योंकि गेट का कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। यानी इस एग्जामिनेशन और इस जो लेक्चरर और प्रोफेसर की जो बहाली निकाली गई थी उसमें यहाँ पे गेट एग्जामिनेशन के बेसिस पर यहाँ पे वेटेज दिया गया था जो कि गेट ना ही कोई शैक्षणिक योग्यता है और ना ही यहाँ पे उसको तरजीह देने की बात किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जो भर्ती बोर्ड है गलती ये किया है कि गेट एग्जामिनेशन के बेसिस पर उसने वेटेज दिया है, साथ ही गेट एग्जामिनेशन को तरजीह भी दिया है इसमें। उस कारण से कोर्ट ने इस बहाली को निरस्त कर दिया है, नए सिरे से यहाँ पे नियम बनाकर बहाली कराने का आदेश दिया है। यानी बोले तो इसका विज्ञापन जो निकाला गया था वो भी रद्द कर दिया गया है, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से रद्द कर दी गई है और साथ ही साथ यहाँ पे जो इसके नियम है उसको भी रद्द कर दिया गया है। नए सिरे से और नए नियम से इसका वैकेंसी कराया जाएगा, कब कराया जाएगा वो तो आने वाले समय में बताएगा। और यहाँ पे बात करें तो बिहार में इतना जल्दी संभव नहीं है कि तुरंत यहाँ पे निरस्त किया गया, तुरंत यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन और नया नियम बनाकर जो है जारी कर दिया जाए। तो बस यही आपको अपडेट देना था। और देखते हैं इन सभी कैंडिडेट का कब से गुड लक स्टार्ट होता है कि फिर से वो लोग अप्लाई कर पाए लेक्चरर और प्रोफेसर के पोस्ट के लिए, ताकि वो जो राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें ये कम से कम संविदा के आधार पर ही वो ज्वाइनिंग ले पाए, ठीक है। तो ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।